सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये रेड बटन दबाना होगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना होगा, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, तिरमोई किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल कुट्टू की कड़ी बनाना सिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने कुट्टू का आटा लिया है, दही मैंने 1.5 कप लिया हुआ है, हरा धनिया चॉप्ड कर लिया है, चॉप्ड हरी मिर्च है, और मैंने पकौड़ी बनाने के लिए चॉप्ड आलू क्यूब्स में काट के रखे हुए हैं, 2 लाल मिर्चें, अदरक मैंने ग्रेट कर ली है, जीरा साबुत जीरा है, क्यूमिन सीड, और मसालों में मैंने लाल मिर्च जिसे मैंने धो करके और सुखा करके पीस ली थी, काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक और ये भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल चाहिए हमें और पानी। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन गैस पे चढ़ा लिया है और इस पे मैं रिफाइंड ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून। हमारा घी गरम हो जाए तब मैं इसमें जीरा डालूंगी, आधा चम्मच हमने जीरा डाला है। अदरक ग्रेट करा हुआ, जब हमारा जीरा क्रैकल करने लगे तब मैं अदरक डालूंगी, चॉप्ड ग्रेट करा हुआ अदरक, इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से गैस को सिम कर देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च हम पकौड़ों में डालेंगे। जब तक हमारी ये चीज़ें सौते होती हैं तब तक हम कुट्टू के आटे का घोल बना लेते हैं। इसके लिए हमें 2 चम्मच कुट्टू का आटा चाहिए, दही, दही मैंने प्लेन लिया है तो, और थोड़ा सा उसका पानी भी लिया है। हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हमारे जीरा और अदरक मिर्च सौते हो गई हैं, अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। और ये भी हमारा भुन जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मेरा ये पानी खोलने लगा है, अब मैं इसमें अपना घोल डाल देंगे, जो मैंने कुट्टू के आटे और दही का, इसको हम छान के डालेंगे ताकि हमारी कड़ी एक सार बने। इसको हम अच्छी तरीके से छान करके डाल दें और इसमें जो घोल थोड़ा सा इसमें लग गया था उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब हमारे एक घोल में थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और इसको खोला लेंगे। जब ये एक बॉयल आ जाएगा तो मैं गैस को धीमी कर दूंगी। जब तक हमारा घोल में बॉयल आ रहा है तब तक मैं पकौड़ी का घोल तैयार कर लेती हूँ। पकौड़ी के घोल के लिए हम बचे हुए आटे को लेंगे और अब मैं 4 चम्मच कुट्टू का आटा लिया है, इसमें मैं डाइस करे हुए पोटैटोज डाल देंगे अपने, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया जाएगा थोड़ा सा, अब मसाले डालूंगी मैं, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, नमक सेंधा नमक, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा ही डालेंगे हम, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अब हम इसमें पानी मिला के घोल तैयार करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल तैयार कर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकौड़ों का घोल तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा घोल
तैयार हो गया पकौड़ों का। कढ़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इस समय हम लोग जब फलाहारी सारी डिशेस बनाते हैं तो उसमें एक नई डिश कढ़ी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने कहा लाओ आपके संग आज शेयर कर दूं। चलिए अब हम लोग, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है घी डाल के, अब मैं इसमें पकौड़े तल लेती हूँ। पकौड़े इसमें डालते रहते हैं। अब हम पकौड़ों को थोड़ा सा पलट लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेंगे। देखिए मेरे पकौड़े तल गए हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा रह गया। जब ये ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से तब हम इसे पेपर नैपकिन में निकाल लेंगे। हमारी कढ़ी में भी बॉयल आ गया है और मैंने इसे सिम पे कर दिया है। अब ये जब तक हमारा कुटू कच्चा ना रह जाए तब तक हम इसे बॉयल करेंगे। 10 से 15 मिनट हमें इसे बॉयल करना है। अब मेरे पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब मैं इसे पेपर नैपकिन पे निकाल लेती हूँ। अब मेरे पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब मैं इसे कढ़ी में डाल देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसे ढक करके हम पका लेंगे। अब मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, अब मैं इसे सिम करके 10 मिनट तक पका लूँगी। अब मेरी कढ़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। अब हमारी कढ़ी तैयार हो गई है, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी मैं। जीरा क्रैकल करने लगेगा तो मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी। अब जीरा क्रैकल करने लगा है, अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी दो। अब हमारी मिर्चें तल गई हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा गैस बंद कर दूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और हम इसमें लीजिए तैयार है हमारी कुटुक की कढ़ी। कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारी गर्मा गर्म गर्म कढ़ी कुटू की, और इसे आप इसे मैं हरा धनिया से गार्निश कर देती हूँ, और आप इसे कुटू के आटे के पराठे के संग या सामक के चावल के संग खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपने सीखी मुझसे ये कढ़ी बनानी। अगर आपको ये कढ़ी अच्छी लगी हो और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।